उचाणा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव काबरछा के मौजूदा सरपंच काबरछा के ही रहने वाले कुछ व्यक्ति द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये काफ़ी सनसनीखेज मामला था, एक युवा सरपंच के दिन सुबह सुबह गोली मार के हत्या करना, और इसका जो मुख्य कारण जो FIR में मृतक के भाई के द्वारा लिखवाया गया था वो था चुनावी रंजिश, कि जो दोषी पक्ष है उनके परिवार से भी किसी ने इलेक्शन लड़ा था, जो इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद से चुनावी रंजिश अपने मन में पाले हुए थे, और उसी के चलते इन्होंने कल सुबह इस घटनाकांड को अंजाम दिया था। काफ़ी संवेदनशील मामला था, जिसके चलते जींद पुलिस की 5 स्पेशल टीमें गठित की गई, और जहाँ जहाँ इनके संभावित ठिकाने हो सकते थे वहाँ वहाँ पुलिस के द्वारा रेड्स करना स्टार्ट किया गया। कल रात को भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट थी कि गांव में ये दोबारा घुस सकते हैं, जिसके चलते मैं भी कल रात करीब 3-4 घंटे के लिए गांव में मौजूद रहा था, ताकि किसी और घटना को होने से बचाया जाए, क्योंकि गांव में काफ़ी टेंशन का माहौल था। आज सुबह CIA जींद की पुलिस पार्टी, जिसको सब इंस्पेक्टर PSI मनीष हेड कर रहे थे, उनको सूचना मिली कि खटखट के पास कैसून रोड के ऊपर ये दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल के ऊपर देखे गए हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत घेराबंदी की गई और इनको रुकने के लिए बोला गया तो उन लोगों ने अपने बचाव में भागते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, जिससे पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में वह दोषियों को काबू करने की पर्पस से इनके ऊपर गोलियाँ चलाई, और जिसमें 2 एक्यूज जो कि बाई नेम उस FIR में दोषी थे, और दोनों के दोनों वो एक्यूज़ हैं जिनके द्वारा कल मृतक संदीप के ऊपर गोलियां चला के उसके हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसमें एक का नाम है बल्केश एलियस भोला, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है नवदीप। ये दोनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, और इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक एक गोली इनके पैर में लगी है। पुलिस ने ना केवल दोनों दोषियों को अरेस्ट करके एक बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने का कार्य किया है, बल्कि ऐसे शातिर, या मैं ये कहूँगा कि इस तरफ ये इतने अपराध से अपने मन में भरे हुए थे कि इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर भी जानलेवा हमला करके भागने की नीयत से पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। 24 घंटे के अंदर CIA जींद और बाकी जो अन्य टीमें इस केस में इन्वॉल्व थी, उन्होंने इस घटनाकांड के दोषियों को पकड़ने का काम किया है। कल इस विषय में काबरछा गांव के लोगों द्वारा रोष के चलते नरवाना रोड को जाम भी किया गया था, और पुलिस ने उस वक्त ये उनको भरोसा दिलाया था कि हम जल्द से जल्द ना केवल इस घटनाक्रम को सुलझाने का काम करेंगे, बल्कि जो जो मुख्य आरोपी हैं उनको हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। तो पुलिस ने CIA जींद की टीम ने वे अन्य जो भी टीम्स इस केस में इन्वॉल्व थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ना केवल कल अलग अलग ठिकानों पे इनके संभावित ठिकानों पे टाइमली रेड करके इनको पहुंचने वाली सभी मदद को रोका गया, इनको बाहर भागने से नाकाबंदी करके रोका गया, और आज सुबह इवेंचुअली इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। द्वारा जो हथियार पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करने के लिए यूज़ किए गए थे, शायद यही वो हथियार हो सकते हैं जिनसे कल जो काबरछा गांव के सरपंच थे मृतक संदीप, उनकी हत्या की गई हो। 3 हथियार इनसे बरामद हुए हैं। अभी उस एरिया की पुलिस तलाशी भी ले रही है, क्योंकि जहां पे घटनाक्रम हुआ है वहां पे चारों तरफ खेत हैं, और खेत में क्योंकि इस टाइम धान की फसल की रुपाई हो रखी है तो खेतों में काफ़ी पानी है, तो वहां पे इस टाइम पुलिस की अपना सर्च अभियान चला हुआ है। इनके जो अन्य और साथी जो बाइनम हैं उसमें एक इनका कज़न है जिसका नाम विनय है, उसके लिए भी पुलिस पार्टी लगातार दबिश दे रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द उसको भी ना केवल पकड़ा जाएगा बल्कि उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जो 2 व्यक्ति जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, इसमें एक अपराधी जिसका नाम बल्केश एलियास भोला है, इसके ऊपर गांव में झगड़े का केस है जिसमें एट्रोसिटी की धारा भी लगी हुई है। जो दूसरा साथी अभी तक फरार है विनय, इसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट के तहत गैर कानूनी नाजायज हथियार अपने पास रखने का एक केस इससे पहले दर्ज है। देखिए, अभी तक दोषियों से तो बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको पकड़े जाने के बाद जिस टाइम उनको पकड़ा गया था दोनों इंजर्ड थे, उनको तुरंत मानवीय मूल्यों को महत्व देते हुए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहाँ तक मृतक के परिजनों के द्वारा, परिवादियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उनका यही कहना था कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी रंजिश ही इसका कारण है, क्योंकि चुनाव में जो ये मुख्य अपराधी हैं, इनके फादर इलेक्शन लड़े थे वो हार गए थे, तो उसी रंजिश के चलते इन्होंने इसकी हत्या की है।
मैं कल सुबह भी मौका पे था और कल रात को भी, जैसे मैंने बताया कि गांव में एक बार कुछ अफवाहों का दौर चला था, तो वहां जाके मैं देखा कि मृतक के और दोषियों के परिवार घर जो है बिल्कुल साथ साथ लगते हैं, बिल्कुल एक ही गली के अंदर इनके घर हैं, और किसी भी ऐसी अनहोनी को टालने के लिए वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। टोटल कितने बनाए गए हैं सर इसमें और कितने अरेस्ट हुए? इसमें अभी तक मैंने बताया कि दो व्यक्तियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं, और जल्दी मुझे पूरा यकीन है ये दोनों वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथ से गोलियां चलाई थी। तो मुख्य आरोपी, मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्य आरोपी और घटनाकांड को अंजाम देने वाले व्यक्ति हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, और कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनका इस सारी साजिश में या किसी तरह की प्लानिंग में इससे पहले उनका कोई रोल रहा तो उनके नाम FIR में लिखवाए गए हैं, उनके ऊपर भी पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करेगी।